बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मीन सॉल्यूशन देखें, यहां पे मीन दैट मीन्स ये कितना दिया हुआ है हमें, 10 दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, दिस इज 2। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकोरेक्ट। इसका मतलब हमारे पास मीन भी हमारा क्या होगा, इनकोरेक्ट होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा क्या है, इनकोरेक्ट है, इनकोरेक्ट हो गए हमारे ये 8। एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकोरेक्ट, कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देर आर टू केसेस इफ रोंग आइटम इज ओमिटेड। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, पहले अगर हम रोंग आइटम को ओमिट करते हैं, निकाल देते हैं, यहां पे एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। मीन क्या होता है, मीन होता है हमारे पास समेसन ऑफ एक्स आई मीन सम ऑफ ऑल्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे अगर हम इनकोरेक्ट की बात करें, यहाँ हमारा इनकोरेक्ट मीन है, इनकोरेक्ट मीन कितना था हमारा, 10 है। सो 10 इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, एन हमारा 20 हो गया। सो समेसन ऑफ एक्स आई दैट इज 200, ये इनकोरेक्ट आएगा हमारा, इनकोरेक्ट समेसन एक्स आई इज 200। तो अगर हमने करेक्ट निकालना है, करेक्ट सम हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशंस 8 वाज इनकोरेक्ट, उसमें से माइनस कर दें हम, सो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई इनका सबका सम 200 माइनस 8 दैट इज 192। 200 माइनस 8 192 हो गया। अब करेक्ट मीन समेशन एक्स आई अपॉन एन, 192 अपॉन एन हमारा कितना है, 20। तो 20 से डिवाइड 20 नहीं, क्योंकि हमने ओमिट कर दिया, तो एन हमारे पास अब कितनी रह जाएंगी, 19। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे 19 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक हमने ओमिट कर दिया, तो ऑब्जर्वेशंस भी 19 रह जाएंगी और सम इनका 192। 19 से डिवाइड करूँगा 102 बच गया, 19 वन एंड देन 0 10.1, सो नियर अबाउट 10 क्या हो गया आपका, 1 करेक्ट मीन हो गया। अब हमने इसमें क्या निकालना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास इनकोरेक्ट है, एज स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा होता है वो होता है 1 अपॉन एन रूट ऑफ एन इंटू समेसन एक्स आई स्क्वेयर माइनस समेसन एक्स आई स्क्वेयर एक्स आई स्क्वेयर माइनस ऑफ समेसन एक्स आई का स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे इनकोरेक्ट है हमारे पास, इनकोरेक्ट यहाँ सभी में, यहाँ पे मैं इनकोरेक्ट लिख देता हूँ, दिस इज इनकोरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या रहेगा, इनकोरेक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज आल्सो इनकोरेक्ट। तो इनकी सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इनकोरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा दिया हुआ था 2, दिस इज 2, 1 अपॉन एन हमारा कितना है, 20, एन हो गया 20। इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर ये हमें नहीं पता है, इनकोरेक्ट की बात कर रहे हैं हम, इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई का स्क्वेयर माइनस, ये हमें पता है इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई तो हमारे पास कितना था, 200 था। सो 200 का स्क्वेयर, ये इधर जाके 40 हो गया, दिस इज 40, एंड मैं इसका स्क्वेयर कर देता हूँ, 40 का स्क्वेयर इधर जाके 40 और इसका रूट हट जाएगा, दिस इज 20 इंटू इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई का स्क्वेयर माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40,000। 20 इंटू, ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये बन गया हमारा
कितना बन गया 1600, 1600 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 20 इंटू इनकोरेक्ट समेसन एक्स आई स्क्वेयर। ये वैल्यू हमारे पास बन गई 41600 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज इनकोरेक्ट समेसन एक्स आई स्क्वेयर। कैंसल, टू से अगर मैं कैंसिल करूँगा तो ये मेरे पास बन गया 2080, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास इनकोरेक्ट इनकोरेक्ट समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर दैट इज 2080। अब मैं करेक्ट निकालना चाहता हूँ, करेक्ट समेसन एक्स आई स्क्वेयर, क्यों? क्योंकि हमने 8 माइनस कर दिया तो 8 का स्क्वेयर इसमें से माइनस हो जाएगा, 2080 माइनस 8 का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर माइनस किया मैंने 64, दिस इज 2016 करेक्ट समेसन एक्स आई स्क्वेयर हो जाएगा। अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 1/n इंटू एन करेक्ट समेसन एक्स आई स्क्वेयर माइनस करेक्ट समेसन एक्स आई पूरे का होल स्क्वेयर। वैल्यू पुट कीजिए 1/n, 1/n का मतलब 1/20 नहीं होगा क्योंकि हमने एक ओमिट कर दिया, तो 1/ कितना हो जाएगा 19, रूट 19 करेक्ट समेसन एक्स आई स्क्वेयर। समेसन एक्स आई स्क्वेयर हमारे पास कितना हुआ 2016, समेसन एक्स आई स्क्वेयर हमारे पास ये हो गया। करेक्ट समेसन एक्स आई कितना आया था, ये था हमारे पास 192 माइनस 192 का 1/19 38304 माइनस 192 का स्क्वेयर 84 और ये बन गया 192 36864। सो 1/19 रूट ऑफ 04 4761 1440। तो मैं इसका लिख सकता हूँ 1/19 रूट ऑफ 144 इंटू 10। अगर हम इस वैल्यू को निकालें तो 12 बाहर हो जाएगा, 12/19 इंटू 10 रूट टेन आप निकालेंगे, 3 3 3.1 61 39 हो गया। अगला पेयर उतारेंगे तो ये बन जाएगा 62, ये 6 पे जाएगा 3.16 अप्रोक्सीमेट ले लिया हमने। थर्टी सेवन पॉइंट नाइन्टी टू अपॉन नाइनटीन से डिवाइड किया, 19 बन जा 19, यहाँ पे बच गया हमारा 18 189, 19 पॉइंट लग गया, 99 जा 171 82, 1.99 आपका क्या आ गया करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका हमने इफ रोंग आइटम इज ओमिटेड। अब रिप्लेस्ड बाय 12 करते हैं। अब हम इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, जो रोंग है वो 12 से रिप्लेस कर दें। सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया था इनकोरेक्ट सम हमारा जो आया था, इनकोरेक्ट समेसन एक्स आई दैट वाज 200। अगर हम करेक्ट निकालना चाहते हैं इनका सबका सम, करेक्ट समेसन सभी का सम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 200 में से जो रोंग था वो हमने माइनस कर दिया और जो अभी रिप्लेस किया वो हमने प्लस कर दिया, तो प्लस का 4 बचा, दैट मीन्स 204। करेक्ट मीन हमारा कितना हो जाएगा,
204 डिवाइडेड बाई 20, ऑब्जर्वेशंस तो उतनी है, एक रिप्लेस किया हमने, पॉइंट लग गया यहाँ पे, सो 10.2 आपका करेक्ट मीन हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन में इनकोरेक्ट समेशन हमारा ये हुआ था, ठीक है। सो करेक्ट इनकोरेक्ट समेशन ऑफ एक्साइज स्क्वेयर दैट इज 2080 था, करेक्ट निकालते हैं हम, करेक्ट समेशन ऑफ एक्साइज स्क्वेयर 2080 में से इसका स्क्वेयर तो हम माइनस कर दें जो हमने रिप्लेस किया है, और जो सही वाला है 12 का स्क्वेयर हम इसमें प्लस कर दें। दैट मीन्स 2080 माइनस का 64 प्लस का 144, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 80 प्लस का हो गया, दैट इज 2160 हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 1/n n इंटू करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर माइनस समेशन करेक्ट समेशन एक्स आई का स्क्वेयर 1/20 रूट ऑफ 20 इंटू समेशन एक्स आई स्क्वेयर हमारे पास 2160 हुआ, माइनस करेक्ट समेशन एक्स आई हमारा कितना हो गया 204, सो 204 का स्क्वेयर कर दीजिए, 1/20 00432 माइनस 204 का स्क्वेयर 1584 का रूट निकालें हम तो क्या बनेगा, 3 3 9 6 84 6 हो गया, 9 पे जाएगा 39, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 प्लस 8 62, 4 3 6.0 ये हो गया 78, 7 9 जा 7 8 8 8 जा 8 पे नहीं जाएगा 7 पे जाएगा, सो 39.7 7 पे जाएगा, ये 39.7 लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट में ले रहे हैं हम, दिस इज 1/20 इंटू 39.7 और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स 3.97 डिवाइडेड बाई 2 1.9985 के अराउंड आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर गिवन बिलो, विच ऑफ 3 सब्जेक्ट शोज द हाइएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स एंड विच शोज द लोएस्ट। यहाँ पे हमें कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, वहाँ से पता चलेगा सभी का, मीन हमें दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है। कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैथ्स की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इन 200, दैट मीन्स 42 12, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 12/42 × 100, 4 से मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, 6 21, 600/21, 3 से भी डिवाइड हो रहा है 7, 3 से डिवाइड किया तो हमने 7 हो गया और 2 हो गया, सो 200/7 वैल्यू हो जाएगी, 7 2 जा 14 6 7 8 जा एंड देन 4 5
सेवन, 28.57 हमारा कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैथ्स आ गया। ऐसे ही कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फिजिक्स निकालें वो हो जाएगा 15/32 इंटू 100, 4 से काटा मैंने 8, 25, 375/8 हो गया, 8 4 जा 32, 5 55, 8 6 जा 48, 7 8 8 जा 64, 6 एंड देन 8 7 जा 46.87 हो गया। कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ केमिस्ट्री ये हमारे पास 20/40.9 × 100 हो जाएगा। इसका पॉइंट मैं हटाऊं तो ऊपर जीरो लग जाएगी, दैट मीन्स 20 20, और ये पॉइंट इसके नाम का हो गया 409। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 409 से तो ये 4 पे गया 36 16 4 6 3 0, फिर हमारे पास कितने पे जाएगा, 9 9 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा। सो 8 9 जा 72, 32 368 पॉइंट लग के 0, देन 9 पे जाएगा, 9 9 जा 81, नहीं इस पे भी नहीं जाएगा, तो 8 पे ही जाएगा हमारा 3 2 7 2, 48.8 48.8। यहाँ से हमें पता चल रहा है ये 46 है, 48 है। सो इन्होंने पूछा था शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, हाईएस्ट वेरिएबिलिटी हमारे पास किसकी हुई, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री, एंड लोएस्ट वेरिएबिलिटी हमारी किसकी है, मैथ्स की है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आपके चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 and 3 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकोरेक्ट। वहां पे एक ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस इनकोरेक्ट है। विच वर रिकॉर्डेड एज 21, 21 and 18। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकोरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। ठीक है, सॉल्यूशन देखें, इनकोरेक्ट ही हमारे पास, इनकोरेक्ट मीन हमें दिया हुआ है 20 एंड इनकोरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 3, एन की वैल्यू हमें 100 ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। सो इनकोरेक्ट मीन, मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20, तो ये हमारे पास इनकोरेक्ट ही होगी, इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई अपॉन एन, एन तो ठीक है हमारे पास 100 है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई हमारे पास हो जाएगा 20 × 100, दैट मीन्स 2000। करेक्ट निकालें, करेक्ट समेशन एक्स आई 2000 में से 3 ओमिटेड कर दी हमने, 21 − 21 − 18, 42 and 18, 60 माइनस करेंगे तो 1940 रह जाएगा, लेकिन n हमारे पास n1, ये हमारे पास 20 − 3 ओमिटेड करती तो सॉरी n हमारे पास 100 था, 100 − 3 कितनी रह जाएंगी 97। करेक्ट मीन हमारा हो जाएगा 1940 डिवाइडेड बाई 97, 97 टू जा होता है तो 20 हमारा करेक्ट मीन हो गया। अब बात कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की, इनकोरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 1/n × n × ये भी हमारे पास इनकोरेक्ट में ही आएगा, फिर इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई पूरे का होल स्क्वायर।
ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 3, 1 अपॉन एन हमारा है 100, दिस इज एन, एन की वैल्यू है हमारे पास 100, इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर हमें नहीं पता, तो इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स आई की वैल्यू हमें पता है इनकोरेक्ट कितनी आई हुई है, दिस इज 2000, सो 2000 का स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसका इधर लेके 300 का स्क्वेयर हो गया और इसका स्क्वेयर रूट हट जाएगा 100 इंटू इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई का स्क्वेयर माइनस 40 लाख, इधर जाके ऐड हो जाएगा, इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये 90,000, दैट मीन्स 40,90,000 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई, ये 100 इधर ले आऊँ मैं, डिवाइडेड बाई, दिस इज इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर, कैंसल 40,900, इनकोरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर आ गया हमारा, इनकोरेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर दैट इज 40,900, बट हमें तो करेक्ट निकालना है, तो करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर आप निकालेंगे 40,900 में से, इनका स्क्वेयर सबका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस का 21 स्क्वेयर, माइनस 21 स्क्वेयर, माइनस का 18 स्क्वेयर, 40,900 माइनस का 441, माइनस 441 माइनस का 364, तो ये वैल्यू टोटल 882 एंड 364, 1264 इसमें से माइनस हो जाएगी, 1264, 1246 सॉरी 1246 माइनस हुआ, तो करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वेयर हमारे पास बचेगा 4, 5, 9 माइनस 4, 5 एंड देन 8 माइनस 2, 6 और ये हो गया भाई 9, 3, 3, 9, 6, 5, 4 हमारे पास वैल्यू आ गई 3, 9, 6, 5, 4, ठीक है, या हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में, यहाँ 18 का स्क्वेयर 324 है भाई, 324 होगा तो ये हमारे पास 6, 10 एंड 1206 हो जाएगा, तभी कुछ गड़बड़ लग रहा था, 120, सो 9 एंड देन यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 826, अब ठीक है 39694 हो गया हमारे पास, सो करेक्ट करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन एन इंटू एन इंटू करेक्ट हमारे पास ये आ गया समेशन एक्स आई स्क्वेयर माइनस करेक्ट समेशन एक्स आई का स्क्वेयर, अब ये दोनों वैल्यू हैं हमारे पास, एन की वैल्यू हमारे पास एन वन 97 हो गया, दैट इज 1 अपॉन 97 इंटू 97 इंटू करेक्ट समेशन एक्स आई, ये मेरे पास आ रहा है 39694, 97 इंटू 39694 माइनस करेक्ट समेशन एक्स आई हमारे पास कितना था 1940, दिस इज 1940 का स्क्वेयर, वैल्यू सोल्व करेंगे 1 अपॉन 97, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इज 3850 3850318 है और इसका जो स्क्वायर बन रहा है वो 3763600, यहाँ पे वैल्यू 1 अपॉन 97 इसमें से माइनस कर दीजिए, ये हो गया रूट ऑफ 8 हो गया 1 हो गया 13 माइनस 6 7 हो गया एंड देन 9 माइनस 3 6 हो गया एंड 9 माइनस 3 हमारा 6 हो गया, यहाँ पे 4 4 माइनस 6 8 हो गया, 7 माइनस 7 8 6 7 1 8, 1 अपॉन 97 इसका रूट 8 6 7 1 8 का जब आप रूट निकालेंगे इट इज़ अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्सीमेट 294.4 के करीब आएगा। इसका रूट निकालेंगे तो 294.4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करें 93, 291 हो गया, 3 पॉइंट लग गया हमारा, यहाँ पे 4 हो गया, 0 0 हो जाएगा, 0 40, यहाँ पे फिर कितने पे जाएगा, 3.293 आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।